ओके okay. तो बहुत सारे लोग मेरे से फ्लो जानना चाहते हैं कि हम लोग किस तरीके से मूव करेंगे देखो अभी जैसे क्या है <coughs> जैसे अगर हम लोग देखें तो रफली 250 फिफ्टी आवर्स हम लोग को लगता है ठीक है ढाई सौ घंटे हम लोग को लगता है पूरा आ, सिलेबस को एक बार खत्म करने में तो हम लोग का अप्रोच ये रहता है कि जैसे अभी बेसिक्स है तो मैं आप लोग को सम्स भी लाइव करा रहा हूं और हम लोग कॉन्सेप्ट भी लाइव कर रहे हैं बट एज वी प्रोसीड इन सिलेबस ठीक है धीरे धीरे करके तो मेरे फुल फुल सम्स के क्लासेस हैं दो इट्स अ हंड्रेड परसेंट फिजिकल लाइव ऑनलाइन बैच बट हंड्रेड परसेंट में भी कुछ कुछ ऐसे पोर्शन है जो आप लोग को घर पे करना है ठीक है क्योंकि क्या होगा जैसे सिलेबस डायनामिक है डायनामिक मतलब नए टाइप के क्वेश्चन ठीक है नए टाइप के क्वेश्चन आने लग गए एग्जाम में तो उसको टैकल करने के लिए हम लोग को आई आई का भी सिलेबस देखना चाहिए आई आई का सम्स हो गया अब जैसे मैट है इंस्टीट्यूट का मटेरियल है <coughs> हाँ श्योर तो जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है हम लोग को वो अच्छे से करना है एक्स असाइनमेंट हो गया तो क्या है कि आप लोग को काम दिया जाएगा जैसे आप लोग को कंटिजेंसीज वाला पार्ट करने के लिए सी वन का बेसिक्स आना चाहिए तो इसलिए सी वन का जो बेसिक्स है वो हम लोग आपको देंगे ठीक है शुरू का अराउंड फोर फाइव क्लासेस वो हम लोग आपको देंगे तो वो आपको देखना है ठीक है वो आपके कंटेंट ब्राउजर में या फिर आप ड्राइव जैसे भी देख रहे हैं तो वो उसमें अपडेट होगा आज आज या फिर कल में वो अपडेट हो जाएगा तो आई एम आपको वो कंटेंट ब्राउजर में अपना वाला बैच से अपडेटेड रहना है जैसे मैंने आपको बोला एक्सेल का बेसिक्स देखना एक्सेल बेसिक्स इज इंपॉर्टेंट टू डू चैप्टर वाइज एक्सेल अगर आप एक्सेल बेसिक्स और एडवांस एक्सेल अच्छे से नहीं करेंगे तो चैप्टर वाइज फिर आप नहीं कर पाओगे वैसे ही जैसे कंटेजेंसी का पार्ट करने के लिए आप लोग को सी एस वन का बेसिक्स इज इंपॉर्टेंट ठीक है ना उस तरीके से ठीक है तो असाइनमेंट बुक निकालो ठीक है असाइनमेंट बुक निकालना पेज uh, थ्री का क्वेश्चन नंबर टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अ बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट pays an एफेक्टिव annual इंटरेस्ट रेट ऑफ टेन परसेंट ओवर फाइव कोई बात नहीं शेयर कर लो तुम लाया ना इधर बैठ जाओ या फिर एक काम करो तुम अंदर चली जाओ तुम हो तुम आ सामने आ जाओ बैंक अकाउंट पेज एन एफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ टेन परसेंट ओवर फाइव ईयर कैलकुलेट दू वैलेंट सिंपल एनुअल इंटरेस्ट रेट तो वन प्लस फाइव आई विल बी द फैक्टर सिंपल इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या वन प्लस एन आई वन प्लस एन आई और एनुअल का कंपाउंडेड uh, का मतलब क्या होता है टू पावर फाइव तो हम लोग को कंपाउंडेड वाला दिया हुआ है हम लोग को उसके इक्वेलेंट सिंपल निकालना है तो वन प्लस फाइव आई इज वॉट वन पॉइंट वन टू 5. फाइव सॉल्व करिए इसको <laughs> इफेक्टिव मंथली इंटरेस्ट रेट तो 1.1 पॉइंट वन इज वॉट वन प्लस आई ट्वेल्व बाई ट्वेल्व होल्ड टू दिवस मंथली इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वॉट इज इफेक्टिव मंथली इंटरेस्ट रेट आई ट्वेल्व बाई ट्वेल्व इज इफेक्टिव मंथली और ये अगर हम लोग को नॉमिनल बोलता तो आई ट्वेल्व निकालते ठीक है चलो सोल्व करो उसको इफेक्टिव टू ईयरली इंटरेस्ट रेट आओ वाई आर यू लेट सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम लीव योर होम अर्ली इधर बैठो इफेक्टिव टू ईयरली रेट का मतलब क्या होता है 1.1 square is 1 plus I 0 0.5 by 0 0.5. Wait. What is I 0 0.5 by 0.5? 2 yearly effective rate of interest. So 1 plus I 0 0.5 by 0 0.5 will be 2 years ka accumulation factor. Okay. And this is also 2 years accumulation factor. नोट में लिख दो क्वेश्चन नंबर टू असाइनमेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी आई 0.5 by 0.5 बाय equal to फाइव इज इक्वल टू टू ईयरलीफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एफेक्टिव एनुअल डिस्काउंट रेट इफेक्टिव एनुअल डिस्काउंट रेट मतलब वन बाय वन माइनस डी टू पार फाइव इज वन पॉइंट वन टू पार फाइव सिंपल एनुअल डिस्काउंट रेट तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे वन बाय वन माइनस फाइव डी ज 1.1 पॉइंट वन टू दाइव ठीक है ना तुम लोग हमसे कोई क्वेश्चन किया कि सर आप यहां पर तो पांच साल का नहीं लिए क्योंकि यहां पर करके कोई मतलब ही नहीं है टू दाइव इन टू फाइव तो ये फाइव फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा बट क्या हर कैलकुलेशन में फाइव फाइव कैंसल होगा द आंसर इज नो सिंपल में और कंपाउंड में अगर करना होगा तो कभी भी हम लोग नेट में नहीं कर सकते हम लोग को पूरा दिखाना पड़ेगा बट कंपाउंड कंपाउंड में हट जाएगा जैसे कि ये वाला जो है ना इसको भी हम लोग हटा सकते हैं क्योंकि ये माइनस फाइव है जब ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो कंपाउंड इक्वल टू कंपाउंड करो तो फिर उसको हटा दो वरना फिर नहीं हटा सकते सिंपल कंपाउंड में नहीं हटा सकते हैं सॉल्व करो उसको What इज आई जीरो पॉइंट फाइव नॉमिनल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेबल टू ईयरली माने हर दो साल में एक बार कंपाउंडिंग होगा ये बुक बनाया इसलिए गया है मैट जैसे धीरे धीरे विल भी डिसकंटिन्यूइंग ठीक है अब जैसे मैट में बहुत सारा क्वेश्चन है बट तुम लोग को कैसे पता कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है तो इसलिए हमने ये असाइनमेंट इसके सारे क्वेश्चंस मटेरियल से ही हैं बट उनमें से कौन कौन से आपको करना है आप आराम से इसे कर सकते हो तो आपको फिर से वो 2000 पेज पूरा उतना दरकार नहीं पड़ेगा ठीक है Oh! <laughs> ठीक है हुआ पेज फाइव क्वेश्चन नंबर नाइन द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन डिटरमाइन एक्सप्रेशन फॉर द अक्यूमुलेशन फैक्टर अब मेरा बात को ध्यान सुनना वो ही नहीं हाँ तो तुम आ। इधर आ जाओ जा। या फिर तुम पीछे चले जाओ कैसे भी एडजस्ट कर लो <coughs> ठीक है बड़ा बेंच माना तो इधर भी आ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है पीछे जा सकते पीछे भी बेंच है जहां पर कंफर्टेबल हो अब सुनो अब जैसे मान लो तुमको एग्जाम में बोलता है a 0 टू 5 निकालो a 0 टू 7 निकालो a 5 टू 7 निकालो तो हम लोग को बार-बार इंटीग्रेट करना पड़ता है राइट जब हम लोग जनरलाइज एक्सप्रेशंस करते हैं माने अब मैं क्या निकालूंगा a 0 टू t तो इसमें एक बार t के फॉर्म में इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन निकाल लिया अब फिर बार-बार मेरे को बस खाली वैल्यू पुटिंग करना है ठीक है ना अब जैसे यहां पर बोला है डेटरमाइन एक्सप्रेशन फॉर दी अक्यूमुलेशन फैक्टर फ्रॉम टाइम जीरो टू टी तो हम लोग निकालेंगे ए जीरो टू टी सबसे पहले टी का रेंज देखो जीरो टी फाइव तो इसके लिए निकालना पड़ेगा ए जीरो टू टी इसके लिए तो इंटीग्रेशन का दरकार ही नहीं दिस विल बी ई टू दी पावर पॉइंट जीरो एट टी ठीक है अब वेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव तो उस केस के लिए हम लोग को करना पड़ेगा हम तुम लोग को बोलते सुबह जल्दी उठने और तुम लोग को कभी कोई दिन पता लगा कि हम तो एक बजे सो के उठते हैं तो तुम लोग कैसा लगेगा अभी जस्ट मैंने बोला कि इंटीग्रेट एक ही बार करना है बार बार नहीं करना है तो जब ए जीरो से टी वेन टी इज ग्रेटर देन फाइव तो यहां पर हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा ए जीरो टू फाइव इन टू ए फाइव टू टी तो ए जीरो टू फाइव मैं ऊपर से लूंगा इंटीग्रेट थोड़ी ना करना है तो ए जीरो के लिए क्या करूंगा ई टू दी पावर पॉइंट जीरो एट इंटू फाइव एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन फाइव टू टी जीरो पॉइंट वन थ्री माइनस पॉइंट जीरो ऑलरेडी है तो एस कर देंगे ds सॉल्व करके निकालो सॉल्व करो इसको e टू दावर जीरो पॉइंट फोर ई टू दावर जीरो पॉइंट वन थ्री इंटू टी माइनस फाइव माइनस पॉइंट डबल जीरो फाइव पॉइंट जीरो वन डिवाइड बाई टू ठीक है ना तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव अब इसको नेट में सॉल्व करिए नेट में इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है सबका राखी परसों है ना परसों है ना तुम्हारा कल है अच्छा ठीक है समझ गया कितना आ रहा है इसका तो फिर कल क्या है तुम तो लोगों को पता है क्लास अगर राखी परसों है तो फिर कल क्या है क्लास ठीक है ना बोलो कितना आ रहा है इसका नहीं किया ए टू दीरो पॉइंट वन थ्री टी ठीक है जैसे डेल्टा टी का एक्सप्रेशन है ना पूरा वैसे ही ए टी का बनाएंगे आ जाओ डर गई ठीक है हाँ? उसमें मल्टीप्लाई होगा ना बेस सेम पावर्स आर एडेड इंडाइसेस चैप्टर में क्या पढ़ा है ई टू दी पार ए इंटू ई टू पार बी ई टू दी पार ए प्लस बी हेडिंग लगाना पेमेंट स्ट्रीम्स वेरी वेरी सिंपल ठीक है कुछ फॉर्मूला नहीं है कुछ नहीं है ठीक है एक कॉन्सेप्ट है बस खाली सुन लो ध्यान देना ये मेरा पेमेंट पीरियड है जीरो टू टेन ऐसा अगर होता है कि जीरो पे पेमेंट होता है वन पे होता है टू पे होता है थ्री पे होता है तो हम लोग उसको एक एक पेमेंट का हिसाब रख सकते हैं बट अब क्या हो रहा है जीरो टू टेन में कंटिन्यूसली पेमेंट्स हो रहा है जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूं जैसे मान लो जो ट्रेडिशनल शॉप्स होते हैं उनमें गला का कॉन्सेप्ट होता है ठीक है तो गला मीन कैश बॉक्स तो क्या होता है जैसे मान लो उन्होंने एक सोचा कि अब हमको अपना फ्यूचर के लिए थोड़ा बहुत पैसा सेव करना पड़ता है तो डेली शाम को आठ बजे एक आदमी आएगा एट पी को जब उनका दुकान बंद करने का टाइम हो जाता है तो आपका अगर गला अच्छा हुआ तो आपने उनको पांच दे दिया कोई दिन गला खराब हुआ तो दो सौ जो आपका मन नहीं भी दे सकते ठीक है आपका टारगेट है कि आपको हर महीना बीस हजार रुपए जमा करना है अब एक बार में बीस हजार रुपये निकालना इज वेरी डिफिकल्ट ठीक है लेकिन अगर आप तोड़ तोड़ के निकालेंगे तो हो जाएगा कोई दिन आपने आपका गला बहुत अच्छा हो गया तो हमने हजार रुपए दे दिए आपका मंथली टारगेट है मेरे को बीस हजार रुपए का पेमेंट करना है तो अब इसमें क्या हो रहा है हर दिन थोड़ा बहुत पेमेंट हो रहा है कोई दिन नहीं भी होगा तो इसको हम लोग कंटिन्यूस पेमेंट मान सकते हैं ठीक है आज जैसे मान लो जैसे जब आपका तबियत खराब होता है अभी आप इनकम अर्निंग नहीं हो इंडिया में वैसा कल्चर नहीं है बट बाहर में ऐसा कल्चर होता है इनकम प्रोटेक्शन इंश्योरेंस बोलते हैं उसको सो इनकम प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है आई आई एम एम इल नॉट एबल टू वर्क तो उस समय इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पैसा देगा ठीक है आज मेरी जरूरतें हैं मेरा एक फैमिली होगा मेरा खर्चा होगा रेंट ई एम आईज नॉर्मल फूडिंग वगैरह दैट इज इनकम प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कि भाई आगे जाके अगर मैं क्रिटिकली इल हो जाऊं मैं काम नहीं कर पाऊं या फिर ऐसा सोचो हॉस्पिटल के केस में आप सीरियस ही लो लॉन्ग टर्म सिकनेस हो गया आपको लॉन्ग टर्म सिकनेस होता है ठीक है तो आपको डेली थोड़ा बहुत अलाउंस मिल रहा है ठीक है तो बेसिकली पेमेंट स्ट्रीम का क्या क्या है क्या है कैश अब हो रहा ये जो तो दस साल का जो टाइम पीरियड है इसमें बहुत सारे पेमेंट्स हो रहे हैं और मेरे को इन सारे पेमेंट्स का या तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है या फिर मेरे को अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है तो ये जो पेमेंट्स होते हैं ये एक रेट से होते हैं जिनका नाम है रोटी दिखता पी की तरह रोटी रो टी तो रोटी बेस अभी कुछ लिखना नहीं है रोटी क्या है रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम टी रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम टी इसको समझ लेना टाइम टी पे कितने का पेमेंट हो रहा है ऐसे सोचो रोटी का मतलब क्या है टाइम पे किस रेट से पेमेंट हो रहा है या फिर टाइम पे कितने का पेमेंट हो रहा है ठीक है अब यह लटा देते हैं जैसे मान लेते हैं कि यह ए है और यह बी है यहां से यहां तक कंटिन्यूस कैश फ्लोज हो रहे हैं एंड द रेट ऑफ पेमेंट इज रोटी एट टाइम टी अब मेरे को इसको अक्यूमुलेट करना है तो यह जो पेमेंट हुआ है करेक्ट तो मैं क्या करूंगा एक्सपोनशियल इंटीग्रेशन कहां से कहां लेके जाना है मेरे को सारे पेमेंट का वैल्यू चाहिए टाइम बी पे तो मैं अक्यूमुलेट करूंगा टी टू बी राइट डेल्टा एस क्यों क्योंकि लिमिट्स में टी है डीएस ठीक है यह मैंने एक पेमेंट का अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकाला टाइम बी पे ठीक है ऐसा एक पेमेंट नहीं होगा ऐसा बहुत सारा पेमेंट्स होगा जिनका टाइम पीरियड विल बी टी वन टी टू टी थ्री टी फोर ऐसे करके मेरे को उन सबका क्या निकालना है अक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम बी बी फॉर बॉल ठीक है अब क्या करना है अगर मान लो डिस्क्रीट होता जैसे कि मान लो पेमेंट होता जीरो पे वन पे टू पे तो जीरो वाले को अक्यूमुलेट कर देते वन वाले को अक्यूमुलेट कर देते टू वाले को सेपरेटली अक्यूमुलेट कर देते बिकॉज मेरे को पता है कितना टाइम एंड ऑल बट यहां पर मेरे को पेमेंट का टाइम नहीं पता है मेरे को कंटिन्यूस वेन एवर आई एम सींग दर्ट कंटिन्यूस दिस मीन वॉट इंटीग्रेशन डिस्क्रीट समेशन इज दिस एंड समेशन इज दिस सो बेसिकली दिस इज दक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ अ सिंगल पेमेंट बट ऐसा एक पेमेंट नहीं हो रहा है ऐसा बहुत सारा पेमेंट हो रहा है कहां से कहां तक हो रहा है कहां से कहां तक हो रहा है ए टू बी ठीक है सो बेसिकली समिंग ओवर

और मैं सबके अक्यूमुलेटेड वैल्यूज को सम कर रहा हूं एंड समिंग ओवर अ कंटिन्यूअस रेंज इट इन्वॉल्व वर्ट इंटीग्रेशन ठीक है ना कॉपी करो उसको पीएस <coughs> मतलब पेमेंट स्ट्रीम आप लोग ऐसा बना सकते हो टी पे टी से बी पे एरो दे सकते हो फिर से डेल्टा एस डी एस होल इनटू डी टी अब एक और चीज समझना ही है अगर कॉपी हो गया है तो अब प्रेजेंट वैल्यू के बारे में सोचो ठीक है अब प्रेजेंट वैल्यू के बारे में सोचो ये ए है ये टी है और ये बी है अब मेरे को ए पे लाना है सबका अब प्रेजेंट ये कॉपी हो गया ना हाँ? कुछ कॉपी करना कर लो अब ध्यान देना अरे ध्यान इधर तेरे को बोल रहा है हाँ तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट स्ट्रीम एट टाइम ए तो अब ध्यान से देखो टाइम टी पे जो पेमेंट हुआ है उसको मेरे को कहां पर लाना है ए पर लाना है टी से डेल्टा एस डी एस होल इनटू डी टी कहां से कहां तक सो so अब ये वाला जो है ना दिस इज बेसिकली द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम ए ऑफ अ पेमेंट ऑफ रोटी अब ऐसा एक नहीं होगा बहुत सारा पेमेंट होगा कंटिन्यूअस रेंज में होगा तो बेसिकली समिंग ओवर दी प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल द कैश फ्लोस एट टाइम ए ठीक है ना हैपनिंग बिटवीन ए टू बी ठीक है कॉपी ठीक है। पेज नंबर सेवन में आओ रोटी, रोटी बेसिकली रेट ऑफ पेमेंट ये हंड्रेड हो सकता है एक सम करेंगे तब देखो समझाऊंगा ठीक है बेसिकली टाइम टी पे क्या रेट से पेमेंट हो सकता है कुछ भी हो सकता है लॉग ई टू दी पावर कुछ भी हो सकता है ये बेसिकली देखो कैश फ्लो को मॉडल करना है अभी ये मैथमेटिकली तेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा बट जैसे क्या होता है ऐसा हो सकता है कि तू ये सोच कि जैसे जैसे इंसान का एज बढ़ता है ठीक है तो इंसान का बॉडी का मोर्टेलिटी फीचर चेंज होता है तो एक ही उस पर डिपेंड कर रहा है प्लस तेरे को कितने टाइम से वो बीमारी है उस पर भी डिपेंड कर रहा है ऐसे बहुत सारे रिलेटिंग फैक्टर्स होते हैं तो उसके हिसाब से वो लोग कुछ मॉडल करके कुछ फंक्शन निकालते हैं अब जैसे पेज सेवन में जो पहला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर एटीन का तो इसमें बार देखो यहां पर हम लोग को देखो क्या बोला है अ कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव अ कंटिन्यूअस कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट फाइव वेयर द रेट ऑफ पेमेंट रोटी इज वॉट हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट एट टू दार्टी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो अज्यूमिंग अ कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एट परसेंट थ्रू आउट द पीरियड अब मेरी तरफ देखो ध्यान सुनो रुक जाओ अब जैसे मान लो ये रोटी दिया तो कहां से कहां तक पेमेंट हो रहा है जीरो टू फाइव फॉर द नेक्स्ट फाइव इतना जीरो टू फाइव सो हंड्रेड इंटू जीरो पावर टी एक्सपोनशियल माइनस इंटीग्रेशन जीरो पे लाना है टाइम टी पर जो पेमेंट हो रहा है पॉइंट हम लोगों क्या डेल्टा एस था यहां पर डेल्टा कॉन्स्टेंट है टू पॉइंट जीरो एट डी एस होल इन DT. अब बाहर में इंटीग्रेशन आ जाएगा जीरो से फाइव क्यों क्योंकि ना आप जैसे हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड तो प्लस प्लस में तो तुमको समझ में ही जाता है उसी का कंटिन्यूस इक्वेलेंट इंटीग्रेशन तो बेसिकली दिस इंटीग्रेशन इज कैप्चरिंग दैट का चेंज फॉर एग्जाम्पल अगर टाइम वन पे पेमेंट पे होगा इट विल बी ऑफ एटी रुपीज टाइम टू पे होगा तो सिक्सटी फोर इंटू पॉइंटेड स्क्टर टाइम थ्री पे होगा तो पॉइंटेड क्यूब एंड सो ऑन ठीक है सोल्व करिएस नहीं पॉइंट एट है एक सेकेंड प्रिंटिंग ले रहा है वो पॉइंट एट होगा उसको चेंज कर लो प्रिंटिंग एर पॉइंट एट होगा ठीक है सो हंड्रेड जीरो टू फाइव जीरो पॉइंट एट टू दावर टी ई टू पावर माइनस पॉइंट जीरो एट टी डी टी यही तो होगा एक्सपोनेंशियल माइनस पॉइंट जीरो एट बाहर टी माइनस जीरो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं हंड्रेड इंटीग्रेशन जीरो टू फाइव जीरो पॉइंट एट ई टू माइनस पॉइंट जीरो एट होल टू पार टी डी टी कॉन्स्टेंट टू पार वेरिएबल ये देखो ये मेरा कॉन्स्टेंट है इसका वैल्यू निकालो कितना आ रहा है कैलकुलेटर में इसका वैल्यू निकालिए वैल्यू कितना आ रहा है पहले ये बताओ e 0.8 पॉइंट एट ई टू दी पार माइनस पॉइंट जीरो का वैल्यू कितना आ रहा है ना हाँ जीरो पॉइंट सेवन थ्री एट फाइव बाकी लोग का हाँ ठीक है तुम क्या बोली थी जीरो पॉइंट जीरो समथिंग गलत था ध्यान कहीं और है तुम्हारा का क्या होता है इंटीग्रेशन एक चुप हाँ तुम ए टू t का इंटीग्रेशन क्या होगा हाँ हाँ कॉन्स्टेंट टू दी पार वेरिएबल का नहीं तुम अपने पिछले को बुलाओ उसको तुम बोलो मिनट तुम बोलो साक्षी बोलो ए टू दी t का इंटीग्रेशन वेरी गुड ए टू दी t का इंटीग्रेशन होता है ए टू दी power t लॉग एल एन ए और पूरा एक्चुअल करिकुलम में आप लोग को हमेशा एल एन यूज करना है लॉग का बेस में ई e. लॉग का बेस में ई e हम लोग को यूज करना है ठीक है <coughs> तो देखिए इधर में दिस विल बी हंड्रेड जीरो पॉइंट सेवन थ्री एट फाइव टू टी बाय एन जीरो पॉइंट सेवन थ्री एट फाइव ठीक है और अब मैं यहां पर वैल्यू डालूंगा 0 जीरो और फाइव एनीथिंग टू 0 इज वन एंड टू पावर फाइव माइनस वन अरे पॉइंट सेवन थ्री एट फाइव टू दाइव माइनस वन एंड एल एन इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा क्यों बिकॉज लॉग वन इज जीरो कम है ना सॉल्व करिए इसको <coughs> कल करते हैं तीन बजे क्लास ठीक है जब तक कॉलेज नहीं है थोड़ा सा आई विल एंजॉय द फ्रीडम नहीं फ्रीडम का बात नहीं एक्चुअली भी सितंबर वाले का थोड़ा डाउट क्लास चल रहा है तुम लोगों का कब तक वैसे स्टार्ट होगा कॉलेज अगस्त की सितंबर? ट्वेंटी थर्ड है ना लिस्ट कब निकल है लिस्ट निकल जा है क्या कॉलेज वॉलेज का लिस्ट आएगा हाँ. तुम तो बोली कि फर्स्ट क्लास है ओ लिस्ट अब तो बहुत टाइम है अभी तो माय गॉड अब सिलेबस ही खत्म हो जाएगा <coughs> माइनस कहां से आएगा मम्मी नीचे भी तो माइनस है एलेन जीरो पॉइंट सेवन थ्री एट फाइव है तो माइनस होगा उसका वैल्यू दिमाग खोल के सम्स करो तुम लोग हाँ, तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो तो प्रेजेंट वैल्यू माइनस कैसे आ सकता है पहले तो ये सोचो तुम क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कंटिन्यूस पेमेंट स्ट्रीम इज पेड एट द रेट तो कंटिन्यूस पेमेंट स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा रोटी ई टू दी पार माइनस पॉइंट जीरो टू टेन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस पेमेंट स्ट्रीम एट टाइम जीरो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इज पॉइंट जीरो फोर एक मिनट रुक जाओ तो इंटीग्रेशन जीरो पावर माइनस पॉइंट जीरो थ्री थी ई टू दावर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना चलो लेते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस जीरो पे लाना टाइम टी पे जो पेमेंट हो रहा है पॉइंट जीरो फोर डी एस होल इन टू डी टी यही है ना हा कि ना चलो आ जाओ इंटीग्रेशन जीरो पार माइनस पॉइंट जीरो थ्री टी ई टू दी पार माइनस पॉइंट जीरो फोर टी तुम लोग वाला में ना थोड़ा बेसिक मैथ्स का क्लास डालेगा वो तुम लोग को देखना है जैसे हमको देख के लग रहा है कि तुम लोग थोड़ा सा भूल भाल गए हो तो बेसिक मैथ्स करेगा तब क्या मजबूत आए मजबूती आएगा तुम लोग में अब ये थोड़ी ना टफ है कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट में तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है लॉजिकली पहले सोचो कि कहां प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को द कोर्स इज नॉट डिफिकल्ट अभी तो तुम लोग को इंटीग्रेशन करने में इसका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है जबकि एक एक टाइप का अब तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए ना अब देखना एक ही टाइप का सम चलेगा कोई नयापन नहीं है कुछ नहीं है मैं रट गया एकदम पूरा छह साल सात साल से यही एक ही सम कराए जा रहे हैं अभी वो प्रिंटिंग एरर बोल देख के बोल दिए प्रिंटिंग एरर है उसमें कितना आ रहा है बोलो हाँ कितना आ रहा है सेवन पॉइंट सेवन पॉइंट वन नाइन वन सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए फोर्स ऑफ इंटरेस्ट डेल्टा टी दिया हुआ है एक्चुअली पता है जब हम लोग पेमेंट स्ट्रीम का क्वेश्चंस करते हैं तो हम लोग का इनडायरेक्टली फोर्स ऑफ इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है तो इसलिए वी हैव डन मच सम्स ऑन फोर्स ऑफ इंटरेस्ट दैट इज होमवर्क इसका जो लाइक इंटरेस्ट रेट्स वाला जो पार्ट है दैट इज होमवर्क फॉर यू फोर्स हम लोग पेमेंट स्ट्रीम का जब कर रहे हैं वी आर डूइंग द डिफिकल्ट सम्स तो उसमें क्या आप लोग को फोर्स ऑफ इंटरेस्ट वाला भी क्लियर हो रहा है साइड बाय साइड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्स ऑफ इंटरेस्ट डेल्टा टी दे दिया है अब ए भी निकालने बोला है टाइम टेन पे फाइव टू टेन पेमेंट हो रहा है और रोटी हम लोग को दे दिया है तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे फाइव टू टेन रोटी क्या दिया है टेन ई टू दावर जीरो पॉइंट जीरो टी ई टू दावर अब मेरा बात सुनो अब तुम लोग बड़े हो गए हो आज तुम लोग का थर्ड क्लास है अब तुम लोग बच्चे थोड़ी ना हो अब बड़े हो गए तो लॉजिकली सोचो एक्सपोनेंशियल टी टू टेन करते टाइम टी पर जो पेमेंट हो रहा है उसको मेरे को टेन पर लेके जाना है है कि नहीं और कितना दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने फोर्स ऑफ इंटरेस्ट सेवन परसेंट है तो पॉइंट जीरो सेवन बाहर आ जाता और डीएस के जगह में क्या हो जाता टेन माइनस टी सोचो पहले आराम से सर हम सोच नहीं पा रहे बस साइड में करके देख लो लेकिन एग्जाम में तो हम लोग को टाइम सेव करना है ना अगर हम लोग एक एक स्टेप ऐसे बचाएंगे सोचना पड़ेगा हम लोग को तो e टू पावर पॉइंट मेरा बाहर आ गया और क्या बचेगा टेन माइनस टी क्योंकि डीएस रहेगा डीएस का मतलब क्या हो जाएगा टेन माइनस टी टाइम टी पर जो पेमेंट हो रहा है उसको हम लोग टेन पर लेके जा रहे हैं और ये जो कंटिन्यूअस कैश फ्लो का जो सिलसिला ये कहां से कहां तक चल रहा है फाइव से टेन ठीक है अब यहां पर बाहर में क्या आ जाएगा डी अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सुनो पहले e टू दी पावर पॉइंट जीरो सेवन इंटू टेन तो e टू दावर जीरो पॉइंट सेवन तो आ जाएगा बाहर अब बाकी सबको अंदर लेके सॉल्व कर दो ठीक है करो सॉल्व एक छोटा सा डिफरेंस समझा फोर्स ऑफ इंटरेस्ट का जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो नेट में कर रहे हैं बट जब पेमेंट स्ट्रीम का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अलग अलग करके करना पड़ रहा है इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन ई एक्सपी इंटीग्रेशन अगर इंटीग्रेशन ई एक्सपी है इंटीग्रेशन ई टू दी पावर है तो जो आएगा आंसर फिर फॉर एग्जाम्पल ए टू दी पावर एक्स का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ए टू बी सो दैट इज वॉट ई टू दी पावर बी माइनस ई टू दी पावर ए बट अगर आप एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ए टू बी डी एस कर रहे हो तो दैट इज नॉट ई टू दी पावर ए माइनस बी एंड बोथ आर नॉट सेम माने हम लोग जब फोर्स ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग नेट में कर सकते हैं बट जब हम लोग पेमेंट स्ट्रीम का कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग नेट में नहीं कर सकते ई e के पावर में ई e के पावर में नेटिंग इज नॉट अलाउड सॉल्व करिए बाहर आ जाएगा टू e दी the माइनस पॉइंट जीरो टू टी डी टी आ रहा है क्या दिस वन रिदिमा ग्रोवर दिस वन श्योर नो प्रॉब्लम आई एम शोइंग यू द फुल इंटीग्रेशन फाइव टू टेन टेन ई टू दावर जीरो पॉइंट जीरो फाइव टी एक्सपोनशियल इंटीग्रेशन टी पे जो पेमेंट हुआ उसको टेन पर लेके जा रहे हैं पॉइंट जीरो सेवन डी एस होल इन डी टी ओके सॉल्व करो इसको टेक योर टाइम एंड सॉल्व कितना आ रहा है इसका आंसर कितना ट्वेंटी टू अ कंपनी इज कॉन्ट्रेक्टेड टू मेक पेमेंट्स ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड एट एम थ्री सेवन एंड टेन द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट इट इज एज्यूम टू बी इतना 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 कैलक्युलेट द वैल्यू ऑफ द पेमेंट एज अ टाइम जीरो मैं जीरो पे निकाल देता हूं तुम लोग उसको पांच साल अक्यूमुलेट कर देना आई दिया हुआ इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट बोला है ना तो पंद्रह सो टाइम थ्री पे है तो क्या हो जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड इंटू वन पॉइंट जीरो थ्री टू दी पावर माइनस थ्री फोर थाउजेंड एट टाइम सेवन सो वन पॉइंट जीरो थ्री टू दी पावर माइनस फोर वन पॉइंट जीरो फाइव टू दी पावर माइनस थ्री प्लस 5500 1.03 टू द पावर माइनस 4, वन टू द पावर माइनस फोर टू माइनस 2. सॉल्व कर लीजिए इसको ठीक है ना <coughs> अब इसी को अगर हम लोग को निकालना हुआ t is equal to 5 पे तो क्या करेंगे जो ऊपर से आंसर आ रहा है PV वी एट टाइम जीरो को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.03 टू द पावर 4 वन दिस इज बेसिकली ए जीरो टू फाइव सॉल्व कर लीजिए ट्वेंटी टू को पेमेंट स्ट्रीम है ना जहां से जहां तक का पेमेंट स्ट्रीम होगा सबसे पहले वहां से वहां तक का निकालेंगे उसके बाद कुछ करेंगे जैसे बोलता है पेमेंट स्ट्रीम फ्रॉम टेन टू फिफ्टीन और प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोलता है जीरो पे तो पहले तुम प्रेजेंट वैल्यू टेन पे निकालेगा और फिर तुम टेन पे जो वैल्यू आ रहा है उसको तुम टेन से जीरो पे डायरेक्टली जीरो पे नहीं निकालेगा ठीक है पहले जहां से जहां तक का बोला है वहां से वहां तक का करेंगे पीवीएवी जो भी फिर आगे पीछे करेंगे उसको ठीक है पार्ट टू का आंसर अगर सही आएगा तो पार्ट वन भी सही आया होगा कितना आ रहा है पार्ट टू का जोर से बोलो एक्सेल का बेसिक्स कर लिया समझ में आ रहा है देव कोठारी हर बार आंसर में तो डिफरेंस आ रहा है तो मंदिर जाना चालू करो हर बार आंसर में डिफरेंस आ रहा है डेली सुबह तुम मंदिर जाओगे आधा घंटा तब देखो आंसर मिलना चालू हो जाएगा घर के नीचे कौन सा मंदिर है कमेंट बॉक्स में पहले बोलो दो मिनट देव कोठारी जवाब लिखिए पहले ट्वेंटी फोर नंबर देखो डेल्टा टी का फंक्शन दिया हुआ है कैलकुलेट पीवी एट टाइम जीरो ऑफ अ कंटिन्यूस पेमेंट स्ट्रीम ऑफ वन ट्वेंटी पर एनम पेबल फ्रॉम टाइम टेन टू फिफ्टीन तो पहले तुम लोग प्रेजेंट वैल्यू टेन पे निकालेगा फिर तुम लोग टेन से जीरो पे लेके आएगा लाइक पेमेंट स्ट्रीम का जो इक्वेशन बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे 10 टू वन ट्वेंटी माइनस टाइम टेन पर लाएंगे टी पर जो पेमेंट हो रहा है और बेटा वो ना टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी हो गया वो टी ग्रेटर देन इक्वल टू टेन होगा टी ग्रेटर देन इक्वल टू टेन होगा वो ठीक है माइनस टेन टू टी पॉइंट जीरो फोर डीएस होल इन टू डी टी सुनो ये इसका मतलब क्या है पीवी एट टाइम टेन अब टेन से जीरो पे तो तुम लोग को लेके आना ही होता है कैसे लेके आओगे v जीरो टू टेन रुक जो अभी करो मत तो v जीरो टू टेन के लिए क्या करना पड़ेगा v जीरो टू सिक्स इन टू वी सिक्स टू टेन ये तो निकाल ही सकते हैं चलो सॉल्व करो उसको कितना आ रहा है इसका प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम टेन ये तो बहुत सिंपल है बोलिए इसमें करने लायक है क्या जो तुम कर रही हो ये अला भी सॉल्व करो आज रात तक सब लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मॉक दे देगा ठीक है पोर्टल पे लॉगिन करके टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मॉक दे, दे देगा फिर से जोर से बोलो ने 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 कितना आ रहा है तुम्हारा ये गलत आंसर है ढंग से करो हाँ ये गलत है 244 आ ही नहीं सकता है इसका सही आ रहा है 543 आएगा 244 आ रहा है तो कितना आ रहा है तो बोलेगा कौन खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है ना 543. पॉइंट <laughs> करो दोबारा क्या गलती हुआ है स yes. नहीं जो पावर में जो माइनस प्लस होता है ना उसको अलग अलग कर दो ना जैसे फॉर एग्जांपल e टू दी पावर पॉइंट जीरो वन टी प्लस वन है तो उसको तो e टू दी पावर वन लिख सकते हैं ना अपन इनटू बेस सेम पावर्स जर एडेड तो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट को अलग करके बाहर कर दो e हाँ तो जी, e टू दी पावर जीरो पॉइंट टू इन टू ई टू दी पावर माइनस जो भी है तो e टू दी पावर जीरो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से okay. <coughs> हाँ हाँ जैसे पावर ए माइनस बी ऐसे समझो ई टू दी पावर ए इ टू ई टू पावर माइनस बी होता है कितना आ रहा है दूसरे वाले का मतलब इसका मैंने फाइनल कितना आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू टाइम जीरो है, है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या बोल ठीक है आज वीडियो डालते अभी आज बोल के आते हो लो लोगों को एक मिनट देखो 120 बाहर आ गया 10 से 15 e टू दी पावर माइनस पॉइंट जीरो फोर बाहर आ गया ds का क्या हो जाएगा s तो उसमें हम लोग क्या डालेंगे t माइनस टेन डी ठीक है तो अब इसके बाद में 120 10 से 15 e टू दावर माइनस पॉइंट जीरो फोर टी ई टू दावर पॉइंट जीरो फोर पॉइंट फोर हो जाएगा बेसिकली जीरो पॉइंट फोर डी टी तो जीरो पॉइंट फोर भी बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा वन ट्वेंटी ई टू दावर जीरो पॉइंट फोर इंटीग्रेशन टेन टू फिफ्टीन ई टू दाइनस पॉइंट जीरो फोर टी डी टी अब इसको सॉल्व करिए ई टू दावर एम एक्स का क्या होता है ई टू दर एम एक्स बाय और यहां पर मेरा एम क्या है ये मेरा एम है चलो अब सॉल्व करो फिर उसके बाद में तुम्हारा हुआ वाई इसको सॉल्व करो 120 ट्वेंटी ई टू दावर जीरो पॉइंट फोर ई टू दावर माइनस पॉइंट जीरो फोर टी बाय माइनस पॉइंट जीरो फोर टेन से फिफ्टीन इसमें दिक्कत क्या हो रहा है बस हो गया सॉल्व करो उसको रहा है ठीक है अब इसके बाद हम लोग को निकालना है वी जीरो टू टेन तो सबसे पहले निकालेंगे वी जीरो टू सिक्स एक्सपोनेशियल माइनस इंटीग्रेशन जीरो पे लाना है टाइम सिक्स पे जो पेमेंट हो रहा है पॉइंट डबल जीरो टू प्लस पॉइंट जीरो वन टी प्लस जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो फोर टी स्क्वायर होल इनटू डीटी सॉल्व एक्सपोनेंशियल माइनस जीरो पॉइंट डबल जीरो टू इंटू सिक्स माइनस पॉइंट डबल जीरो फाइव इंटू थर्टी सिक्स माइनस जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो फोर बाय थ्री क्योंकि टी क्यूब बाय थ्री होता है ना इंटू दो सौ सोलह थर्टी सिक्स सिक्स अब इसको सॉल्व करिए सिमिलरली सिक्स से टेन करके करिए दूसरे वाले को आ रहा है आंसर आ रहा है अब अगर मेरे को निकालना है वी सिक्स टू टेन तो कैसे करेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस सिक्स टू टेन पॉइंट जीरो वन प्लस पॉइंट डबल जीरो थ्री टी होल इनटू dt अब इसको सॉल्व करिए कितना आ रहा है बोलो क्या ट्रिपल जीरो फोर है क्वेश्चन में आए तेरा ना थ्री थ्री एट्टी पॉइंट सिक्स सब कहा रहा है थ्री एट्टी पॉइंट सिक्स टू चेक करो सब लोग दिया जैन आया आपका नहीं आ रहा <coughs> है हुआ कितना आया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ट्राई करो क्लास वर्क में हाउ टू यूज कैलकुलेटर देखो 21 को करने के लिए एक स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग को समझना पड़ेगा ठीक है तो ये स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है क्या इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ई टू दफ एक्स डी एक्स मानी ई के पावर में जो है उसका डिफरेंशिएशन सामने है तो इसको हम लोग बोल देंगे e टू दी पावर एफ एक्स प्लस सी कॉपी कर लो पहले इसको डिफ्रेंसिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन तो अगर हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आएगा ए टू दावर एफ एक्स का ई टू दिन टू एफ डैश एक्स चेन रूल तो देखो उसी का इंटीग्रेशन करने से यह आना चाहिए ठीक है अब आ जाइए क्वेश्चन में ट्वेंटी वन नंबर में हम लोग को डेल्टा टी दे दिया है और हम लोग को रेट ऑफ पेमेंट दे दिया है कहां से कहां तक पेमेंट हो रहा है जीरो टू फाइव प्रेजेंट वैल्यू बोला है तो जीरो टू फाइव जीरो पॉइंट फाइव टी प्लस टू एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन टाइम जीरो पे लाना टाइम टी पर जो पेमेंट हो रहा है जीरो पॉइंट वन एस प्लस पॉइंट जीरो फोर डीएस होल इंटू डी टी ठीक है ना एक चीज समझना इसका पहले इंटीग्रेशन कर लो तो जीरो टू फाइव जीरो पॉइंट फाइव टी प्लस टू ई टू पावर माइनस पॉइंट डबल जीरो फाइव टी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ही होगा माइनस पॉइंट जीरो फोर टी डी टी इसका डिफ्रेंसिएशन ये होगा ये तो मेरा ये क्या है मेरा एफ एक्स है ठीक है एक मिनट पहले ये दोनों स्टेप कॉपी कर लो ये दोनों स्टेप कॉपी हो गया संग संग करेंगे ये दोनों स्टेप पहले कॉपी कर लो जीरो पॉइंट जीरो फाइव होगा हाँ ठीक है तो अब एक चीज समझना ये यह पहला स्टेप हो गया अब दूसरा स्टेप ध्यान देना तो अब इसमें हम लोग को क्या करना है मेरा एफ एक्स क्या है एफ एक्स है मेरा माइनस पॉइंट जीरो फाइव टी स्क्वायर माइनस पॉइंट जीरो फोर टी अब इसका एफ डैश एक्स पहले निकाल लो माइनस जीरो पॉइंट वन टी माइनस पॉइंट जीरो फोर सर ऑब्वियस सब बात है वही आएगा ऊपर वाला जहां से स्टार्ट किए थे सो दिस इज माइनस जीरो पॉइंट वन टी प्लस पॉइंट जीरो फोर ठीक है गलत है एक मिनट एक मिनट गलत है जब हम बोल दिए बोल दिए डेल्टा टी का ये गलत है इसका ये पॉइंट जीरो वन होगा पॉइंट जीरो वन एस होगा ठीक है हम एक्चुअली एक्चुअली को तो याद हो गया ना स्टेप बाय स्टेप तो जीरो पॉइंट डबल ज़ीरो फाइव ठीक है माइनस जीरो पॉइंट डबल जीरो फाइव सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा माइनस माइनस पॉइंट जीरो वन टी प्लस ये मेरा एफ डैश एक्स हो गया अब ये मेरे को चाहिए सामने बट सामने है क्या 0.5 पॉइंट फाइव टी प्लस टू तो री राइटिंग री राइटिंग कैसे करेंगे ध्यान देना माइनस फिफ्टी कॉमन लेके तो माइनस फिफ्टी कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा बोले इंटीग्रेशन 0 टू 5 माइनस पॉइंट जीरो वन टी प्लस पॉइंट जीरो फोर आप इसको मल्टीप्लाई करो देखो आपका वही आ जाएगा <coughs> e टू दी पावर माइनस जीरो पॉइंट डबल जीरो फाइव टी स्क्वायर प्लस पॉइंट जीरो फोर टी डी टी क्लियर तो एफ डैश एक्स ई टू दी पावर एफ एक्स तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस फिफ्टी ई टू माइनस पॉइंट डबल जीरो फाइव टी स्क्वायर माइनस पॉइंट जीरो फोर टी अब खाली लिमिट्स पुटिंग करना है जीरो टू फाइव लिमिट्स पुटिंग करके इसका आंसर निकालिए देख लीजिए सम को पूरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये <laughs> माइनस नहीं आएगा बेटा Hmm? कितना आ रहा है थर्टीन पॉइंट एट सेवन इज द करेक्ट आंसर इसमें करेक्शन कर लेना वो जो है ना वो पॉइंट वन नहीं होगा पॉइंट जीरो वन होगा थर्टीन पॉइंट एट सेवन सेम टाइप का क्वेश्चन एक तो करो अभी क्लास में ट्वेंटी फाइव ट्राई करो देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में ट्वेंटी फाइव में ट्वेंटी फाइव में साक्षी डिडवानिया तुम्हारा हुआ हां कि ना फोर टू एट है ना तो फोर टू एट प्रेजेंट वैल्यू ना अक्यूमुलेटेड वैल्यू माइनस नहीं होगा टाइम टी पर जो पेमेंट हुआ उसको एट पर लेके जाएंगे तुमने एक चीज समझा कि करो पहले इसका फिर तुम लोग को समझाएंगे पॉइंट जीरो फाइव डिवाइड बाई टू पॉइंट जीरो टू फाइव ठीक है तो इसको सिंप्लीफाई करो इसको सिंप्लीफाई करके मेरे को बताओ कि इफेक्ट्स क्या आ रहा है हम्म पॉइंट जीरो एट माइनस पॉइंट जीरो वन टी प्लस कितना आता है सिक्सटी फोर इंटू पॉइंट जीरो टू फाइव हाँ वन पॉइंट सिक्स सिक्सटी फोर इंटू पॉइंट जीरो टू फाइव हाँ माइनस पॉइंट जीरो टू फाइव टी स्क्वायर अब इसको सिंप्लीफाई करो और एफ डैश एक्स निकालो आएगा तो यही पॉइंट जीरो फाइव टी प्लस पॉइंट जीरो वन हाँ तो फिफ्टी तो कॉमन लेंगे ना पॉइंट जीरो फाइव है ना थर्टी कॉमन लेंगे थर्टी कॉमन ले लो और आंसर निकालो थर्टी कॉमन ले लेंगे ले ले ना ये कितना आ रहा है fx कितना आ रहा है पहले ये बताओ क्स कितना आ रहा है हा दिस इज वन पॉइंट सिक्स एट माइनस पॉइंट जीरो वन टी माइनस पॉइंट ज़ीरो टू फाइव ना माइनस भी तो आएगा हाँ क्या नहीं कोई तो रहेगा तो तो माइनस पॉइंट ज़ीरो वन प्लस पॉइंट ज़ीरो फाइव टी तो माइनस थर्टी कॉमन आएगा तो थर्टी कहां से कॉमन आएगा माइनस थर्टी कॉमन आएगा माइनस थर्टी कॉमन लेके सो सॉल्व करो सॉल्व करिए ऐसे बैठने से नहीं होगा तो हाँ? वो तो हो जाएगा ना फिर तुमको हाँ क्या नहीं ठीक है अलग अलग करो वो सब बाद में बताएंगे शॉर्टकट बाद में बताएंगे ए एट टू टेन भी तुम लोग को निकालना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन एट टू टेन पॉइंट जीरो वन प्लस पॉइंट जीरो फाइव टी डी टी हर्ष चौधरी तुम्हारा आंसर गलत है करो सॉल्व करो कशक क्या हुआ नहीं थर्ट माइनस थर्टी कॉमन लेंगे ना तुम तो माइनस थर्टी लो देखो तुमको चाहिए एक पैसा और तुम्हारे पास है तीस पैसा तो माइनस थर्टी बाहर आएगा ना <laughs> तुम क्या सॉल्व कर रही हो तुम सॉल्व भी गलत कर रही हो तुम्हारा आंसर ऐसा आएगा माइनस थर्टी ई टू तो ये एफ एक्स है तुम इसको लेके कर रही हो शायद ई टू दफ एक्स में हम लोग लिमिट्स डालेंगे ना माइनस थर्टी ई टू दी पार एफ एक्स में हम लोग लिमिट्स डालेंगे फोर टू एट और फिर इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है ए एट टू टेन से कितना आ रहा है अच्छा हाँ वन एटी फोर हर्ष का मतलब सही है वन एटी फोर पॉइंट एट फाइव सबका यही आंसर आना चाहिए वन एट्टी फोर आया तुम्हारा करो सॉल्व करो <coughs> आज वीडियो डाल देंगे ठीक है इंटीग्रेशन का वो देख लेना तुम लोग का ब्राउजर पे तुम लोग को दिखेगा <coughs> कल तीन बजे क्लास है और ये वाला सब सॉल्व करके आओगे जैसे आ, पेज नंबर लेवल एनविटीज़ के पहले तक पूरा सॉल्व करके आओगे असाइनमेंट का लेवल एनविटीज़ के ऊपर वाला सब सॉल्व करके आओगे सत्ताईस का सत्ताईस क्वेश्चन आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हाँ थैंक यू ऑल ऑफ यू